कहानी शुरू होती है एक जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह इस जंगल से निकलने की कोशिश में था। जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ये इंसान सूरज को देखते हुए आगे बढ़ा था, लेकिन अब सूरज भी ढल चुका था। लेकिन उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ एक फेरी के स्केलेटन पे उसे लिखा मिला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर परेशानी उसके चेहरे पे साफ जाहिर थी। अंधेरा गहरा हो जाता है और एकदम से सारे परिंदे उड़कर यहाँ से चले जाते हैं। छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। ये आदमी बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। और उसकी बदकिस्मती कि वो इतने ऊंचे दरख्त से गिर गया। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, हम देखते हैं कि कोई उसे खींच के ले गया। खींचने वाला कौन था ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें इस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी गई। सीन कट होता है और हमें 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवाय एक बहन के। इस टाइम वो जिस पेट स्टोर पे काम कर रही थी, उसके बॉस उसे एक पैरट को ज़ू पे छोड़कर आने का ऑर्डर देते हैं। मीना इस पैरट को उठाकर अपने घर ले जाती है क्योंकि उसे अगले दिन ज़ू जाना था। रात उसने इस पैरट के साथ गुजारी और फिर सुबह होने पर वो इस पैरट को लेकर ज़ू के लिए निकल गई। लंबी सड़क पर चलते चलते एकदम से शायद उसने गलत टर्न ले लिया और वो पहुंच गई जंगल के बीचों बीच। ये वही जंगल था जहां हम पहले एक आदमी को गायब होता देख चुके हैं। पहले तो वो अपनी गाड़ी के जरिए ही इस जंगल के अंदर जाती रही, लेकिन जब उसे यहां से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आया तो उसे इस गाड़ी से उतरना पड़ा। उसने लगा कि शायद यहां करीब कोई होगा जिससे वो मदद मांग रहे। वो अपने पैरट को लेकर आगे बढ़ने लग जाती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह ही सभी परिंदे इन दरख्तों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। उसे अपने करीब किसी के होने का भी एहसास होता है। दूर एक बूढ़ी औरत आ रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती है, वो उसे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत रुकती नहीं, भागती रहती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक गई तो वो वहाँ रुक गई। उसके रुकने पर बूढ़ी औरत ने उसे आवाज देकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भाग कर हमारी तरफ आओ। ये सुनते ही मीना दोबारा उस बूढ़ी औरत की तरफ भागी और वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़ के उसे एक घर में ले आई। घर आते ही उसने इस घर को लॉक कर दिया। ये कोई घर नहीं था बल्कि एक काफी अजीब कमरा था जिसपे एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ 2 और लोग भी थे। मीना घबरा कर इन लोगों से पूछती है, ये कौन सी जगह है। ये लोग कोई जवाब नहीं देते और उसे मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है, आखिर कौन देखने आ रहा है। तो वो बूढ़ी औरत मेडलाइन जवाब देती है, हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। एकदम से यहाँ अजीबोगरीब आवाजें भी गूंजने लगी। इस बूढ़ी औरत ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं, वो यहाँ तालियां बजा रहे हैं तुम्हारे लिए। मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी। मेडलाइन जिन्हें वॉचर्स कह रही थी उन्हें ना तो अभी तक मूवी में दिखाया गया और ना ही मीना या किसी और ने उन्हें देखा था। ये रात गुजर जाती है। सुबह होने पर ये लोग इस जगह से बाहर निकल आते हैं। मेडलाइन बताती है कि वो वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त हम लोग जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था, वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है। पर मेडलाइन कहती है, ये तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ तो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरेट को लिए आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने पर उसे भी वही साइन दिखाई दिए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले। इन्हें देखकर वो घबरा तो गई, लेकिन पहले वाली लड़की की तरह ही वो सूरज को देखकर सूरज के डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही। पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। एकदम से उस जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई, वो डर गई और वापस उसी घर की तरफ भागी। वो हार चुकी थी। यहाँ मेडलाइन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई, हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ रुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ लेकर आता है और फिर अजीब अजीब चीजें इंसानों को दिखाता है। ये तुम्हें पागल भी कर सकता है, इसलिए अगर जिंदा रहने चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार। मेडलाइन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है जो कि जंगल में गोल दायरे में लगाए गए थे। मेडलाइन बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पे लगे हैं, अगर इससे आगे गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी ये तुम्हें नजर आए तो तुम इन्हें इग्नोर मत करना। मीना पूछती है, ये सब किसने बनाया। तो वो जवाब देती है, ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है, ये लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज की रहना मिलर की
उनके सामने डांस करती है और कहती है ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि जारो को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहते वो कर सकते थे लेकिन उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। रात में तो इन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला था लेकिन दिन में भी इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये जंगल से हर रोज कुछ न कुछ हंट करके निकल आते थे जिनसे इनका गुजारा होता था। अगले दिन कीरा और मीना दोनों जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए जाती है। मीना कीरा से सवाल करते हैं आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या है। कीरा बताती है मुझे भी कुछ खास नहीं पता लेकिन मैंडलाइन के पास एक थ्योरी है। उसके मुताबिक ये वॉचर्स हमें दिखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा अब उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है ऐसे बहुत से गड्ढे जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त ये सारे के सारे वॉचर्स इन गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। मीना कीरा को बताती है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीरा का हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है। उसे उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढ कर वापस आएगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हमें मालूम होता है कि असल में कीरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा, जिसे को यहाँ से ले गया। अपने घर के करीब वापस आने पर मैडलाइन मीना को 3 रूल समझाती है यहाँ पर जिंदा रहने के। सबसे पहला कि वो रात के वक्त अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी, दूसरा कि रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी और तीसरा ये कि दिन के वक्त वो उन गढ़ों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। अब इस रात मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी इसीलिए वो मिरर के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो मिरर की तरफ अपनी कमर कर लेती है और ऐसा करने पर उन वॉचर्स को गुस्सा आ चुका था। वो लोग जोर जोर से उस मिरर को मारने लग जाते हैं। याद रखे मिरर के अंदर क्रैक भी आ जाता है। शोर से मैडलाइन भी उठ जाती है और वो मीना को मिरर की तरफ खड़े रहने को कहती है। ऐसा करने पे उनका गुस्सा ठंडा हो सकता था। खैर ये रात भी कट जाती है और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना क्योंकि अपने अच्छे दिन यहाँ जाया नहीं करना चाहती थी इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो डेनियल से पूछती है क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा। डेनियल ना में जवाब देता है। तब मीना डेनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैडलाइन की बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर इन घरों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल जो कि खुद यहाँ से बाहर जाना चाहता था ना की बातें मान लेता है और अब मीना अपने साथ रस्सी बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा हुआ था कि अगर मीना को कुछ भी हो वो जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा कर लेती है, जरूर वो जंगल में फंसे हुए इंसानों का ही सामान होगा। रस्सी के सहारे मीना और डेनियल उस सामान को बाहर ले आते हैं और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकलती उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती है। वो ठीक से तो नहीं देख पाई कि ये क्या चीज थी लेकिन वो डर गई। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ गए जहाँ मैडलाइन ने उसे पूछा ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला। ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें जंगल से मिला है। मैडलाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका था, वो चाहती थी कि ऐसा सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती रह जाती है बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या दिखा, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिला था। इस कैमरा को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डेनियल और मीना इस घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख पाए। मैडलाइन उनको समझाती रह जाती है ये तुम गलत कर रही हो लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। आज ये लोग वॉचर्स के इंतजार में बैठे थे ताकि इन्हें वो देख पाए। अभी तक वॉचर्स नहीं आए थे लेकिन आज इनके साथ कुछ अजीब होता है। उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग कैमरे से देखते हैं तो वहाँ उन्हें इंसानी टांगे दिखाई दे रही थी। बाहर जो कोई भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठ के दरवाजा खोलने के लिए जाती है लेकिन मैडलाइन उसे रोक देती है और कहती है तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं जानती हूँ भाई तुम्हारे हस्बैंड नहीं है। कीरा को मैडलाइन की बातों पे यकीन नहीं था इसलिए मैडलाइन कहती है तुम इसका इम्तिहान ले लो, तुम उससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कीरा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि ये वॉचर ही है। ये जब दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर इनके बाहर लगाए हुए कैमरा को तोड़ देता है। सभी वॉचर अब गुस्से में आ चुके थे, वो इनके घर के बाहर लगा हुआ शीशा भी तोड़ने वाले थे लेकिन ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके ऐसा करने पर वॉचर्स ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया और वो इनको मारने नहीं आए। रात इनके साथ ये काफी सारी गलत चीजें हो गई थी इसलिए डेनियल और मीना ने डिसाइड किया
कि वो मैडेलाइन को सच बता देंगे कि वो गड्ढे में गए थे, और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने एक रूल तोड़ दिया था। मैडेलाइन उस घड़ी से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है, और अब ना चाहते हुए मीना भी यही रहने वाली थी। वक्त गुजरता गया, मौसम भी बदल गया, सर्दियाँ आ गई थी, लेकिन अभी तक ये लोग यही फंसे थे। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया था, उसे यकीन था कि कभी तो वो ये नक्शा पूरा कर ही लेगी। सर्दियों की वजह से इन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था, और खाना ना मिलने की वजह से इनकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी, और इसी सब में मैडेलिन और डेनियल का झगड़ा हो जाता है। उसी में वो मैडेलिन के साथ साथ मीना को भी बाहर छोड़ के कीरा को सेफ हाउस में ले जाकर लॉक कर देता है। अंधेरा भी होने वाला था। मैडेलिन और मीना बहुत दरवाजा खटखटाती है, डेनियल की मिनतें करती है कि प्लीज ये दरवाजा खोल दो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। फिर अंधेरा भी हो गया और मजबूरन इन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने दरख्त के नीचे खड़ा होना पड़ा। अब तो इन्हें वॉचर्स के आने की आहटें भी सुनाई दे रही थी। इस टाइम मीना और मैडेलिन के साथ हम ऑडियंस को भी इन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग लंबे लंबे पतले और खतरनाक थे। अपने घरों से निकलकर ये सब इंसानों को देखने के लिए इस सेफ रूम तक पहुंचते हैं, और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मैडेलिन वहां नहीं है, तो उनको खाने के लिए ये लोग जंगल में उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। और इन क्रिएचर्स के दूर जाते ही मीना और मैडेलिन को मौका मिल जाता है दोबारा अपने सेफ हाउस तक आने का। इस मरतबा वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं, और आखिर डेनियल उनके लिए दरवाजा खोल ही देता है। ये लोग घबराए हुए थे क्योंकि इन लोगों ने अब वो क्रिएचर देख ली थी। मैडेलिन इन सबसे आकर कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ पे फंस गई। असल में मैं इन्हीं क्रिएचर्स की तलाश में यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि ये सारी क्रिएचर्स परियां हैं, फेरीज हैं, लेकिन यहाँ आकर मैंने जब इन्हें देखा तो मुझे पता चला कि ये तो मॉन्स्टर यानी राक्षस हैं, और साथ ही साथ काफी अकलमंद भी। ये लोग भेस बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा था उसने बिल्कुल मेरे जैसा ही अपना रूप बना लिया था, बस उसके बाल थोड़े बिखरे हुए और आंखों के नीचे गढ़े थे। मैंने उनकी इन हरकतों से अंदाजा लगाया कि वो हम जैसा बनने के लिए हर रोज कुछ सीखते हैं, इसलिए ये हर रोज आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं, और जो जो काम हम करते हैं वैसे ही काम ये लोग करने लग जाते हैं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान दोबारा दरवाजे पे खटखटाहट होती है। ये क्रिएचर्स अब इन्हीं की तरह बोल रही थी। वो अंदर आना चाहती थी लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल सकते थे। अगर ये दरवाजा ना भी खोलते फिर भी क्या हो जाता। उनकी क्रिएचर्स में इतनी ताकत थी कि वो इस लोहे के दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाएं। इन लोगों को कहीं छुपना था, सभी को कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर अचानक डेनियल की नजर फर्श पे पड़ती है। यहाँ फर्श थोड़ा ऊपर नीचे था, वो जैसे ही कारपेट उठाकर दिखता है वो नीचे एक बंकर था। ये लोग बिना वक्त जाए किए उस बंकर का दरवाजा खोल के उसके अंदर चले जाते हैं, और फिर बंकर बंद कर लेते हैं। ये लोग इस चीज से हैरान थे कि ये बंकर इतने अरसे से यहाँ था, और इन लोगों को पता भी नहीं चला इस बंकर के नीचे बहुत फैसिलिटीज थी। हजारों दिन का खाना, बहुत सारे टीवी, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारा जरूरत का सामान रखा था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई, इसीलिए वो इस कंप्यूटर को ऑन कर देती है। इस कंप्यूटर में इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन बहुत सा डेटा सेफ था, जिसे खोलने पर इन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। असल में प्रोफेसर को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था, वो इन क्रिएचर्स पर रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए उसने ये बंकर बनाया था। वो इस बंकर में रहता था, पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ लेकर आता था, और रात के बाद उन्हें ऊपर रूम्स पे छोड़कर वो इस बंकर में आकर छुप जाता था, और वो मॉन्स्टर फिर उन इंसानों को खा जाया करते थे। अपनी सारी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि ये क्रिएचर कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि असल में फेरीज थी जो पहले इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन फिर इंसानों ने इन्हें धोखा दिया। इन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर वो यहाँ से निकल गए, पर काफी साल जमीन के नीचे रहने की वजह से इनका जादू और इनके पर चले गए। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि सारी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी उन घरों से बाहर आ सकती थी। वो अच्छी थी, उसे डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं, डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ ले आया। वो फेरी मार्टिन के साथ रहकर सब कुछ सीख गई, लेकिन थोड़े अरसे बाद इन दोनों के अंदर कोई लड़ाई हो गई। इस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियोस थी, और हर वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ ना कुछ बताया हुआ था। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसीलिए वो सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है, जिसमें वो देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाली है। मरने से पहले वो इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है, और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे भागते हैं उसी डायरेक्शन में भागने से वो लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डेड मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना, बस कुछ राज राज ही रहने चाहिए।
मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं वो दुनिया नहीं बना सका जिसका मैंने ख्वाब देखा था। मैं इंसानों और फेरिस को एक साथ नहीं रख पाया। खैर, आज रात इनकी काफी खुशी में कटती है क्योंकि इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। सभी लोग अब बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनका सेफ हाउस ऑन वॉचर्स ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये लोग अब यहाँ जंगल से निकलने के रास्ते में बढ़ जाते हैं। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वो तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वो उड़ता है ये लोग उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। चलते हुए रास्ते में इन्हें एक कब्र मिली। मेडलाइन इस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा किया और इन्हें यहाँ जंगलों में छोड़कर वो चले गए। और क्योंकि इन फेरिस ने अपने पैर और अपनी जादू को खो दिया, इसीलिए अब कभी वो इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुँच गए। फाइनली इस नदी के जरिए ये लोग इस जंगल से निकल सकते थे। शाम भी हो चुकी थी। वो फेरिस वो वॉचर्स अब जमीन से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते, डेनियल को यहाँ अपना साथी जॉन मिल जाता है। वो जख्मी हालत में था। डेनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब अपनी बोट में बैठ गए थे। इससे पहले कि डेनियल वापस आता, ये लोग देखते हैं कि डेनियल जिसकी मदद करने गया वो कोई इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी, जिसने अब उनकी आंखों के सामने डेनियल का रूप ले लिया था। ये सब लोग डेनियल के लिए कुछ नहीं कर पाते। उस फेरी ने अब डेनियल के माथे पे एक निशान बनाते हुए उसे जान से ही मार डाला था। इन्हें मालूम होता है कि फेरीज ये नदी पार नहीं कर सकती और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि अब मीना डॉक्टर मार्टिन के कहे के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में उनका सारा डाटा खत्म करने के लिए आई है। और इससे पहले कि वो उनका रिसर्च डाटा डिलीट करती, उसे इसके जरिए एक नई बात पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे तो तब इनकी शादी भी हो जाया करती थी। ऐसे इंसानों और फेरीज के बच्चे भी हुए जिन्हें हाइब्रिड्स कहा जाता है। उसे यहाँ पे ये बात भी पता चली कि मेडलाइन जो उन्हें वहाँ मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ ही थी। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मेडलाइन ने उसे ये बातें क्यों नहीं बताई। इस सारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वो कीरा के पास आती है और उसे बताती है कि जिस मेडलाइन से हम जंगल में मिले थे वो असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ थी, लेकिन उसने हमें ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक भेस बदलने वाली फेरी ही थी। ये सुनकर कीरा हैरान हो जाती है। असल में काफी सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ मेडलिन लंग्स कैंसर की वजह से मर गई थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे, वो उनके साथ ही रहना चाहते थे। और फिर प्रोफेसर को पता चला इन भेस बदलने वाली फेरीज के बारे में। अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उसने उस फेरी को मेडलाइन जैसा बना दिया। अभी ये सारी बातें मीना बता ही रही थी तो एकदम से उसे पता चला कि वो ये सारी बातें कीरा को नहीं बल्कि मेडलिन को ही बता रही है, जिसने इस वक्त कीरा का भेस बदला हुआ था। जैसे ही असली कीरा यहाँ आती है मेडलिन उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो फौरन मीना पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज रास ही रहे। इससे पहले कि वो मीना को मार देती वो उससे कहती है, मैं इकलौती थी जो जंगल में सबसे अलग थी। बाहर सारी फेरिस मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं दिन के वक्त भी बाहर निकल सकती थी। इसी गुस्से में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब मीना उससे कहती है, तुम अलग नहीं थी, तुम बहुत ज्यादा खास थी। असल में तुम हाइब्रिड हो, आधे इंसान और आधे फेरी हो। इसी वजह से तुम फेरीज के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी, और यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। मीना के सारा सच बताते ही एकदम से मेडलिन के पास उसके पैर और उसके जादू वापिस आ जाता है, जिसके बाद वो मीना को यही छोड़ कर यहाँ से उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मीना अब अपनी बहन के पास गई है। जंगल और फेरी वाले सारे वाक्य के बाद वो काफी डर गई थी और अब वो अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताया कि मुझे लगता है कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। तब मीना की बहन उससे कहती है, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त भी मीना के घर के नीचे ही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मेडलाइन ही है जो इनकी दुनिया में इस बच्ची के रूप में रह रही है। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।